हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दितिमन। बच्चों, मैं हूं अरुण सिंह। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7। और आज हमारे चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। देखो, हमारा देश भारत, ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। इसकी जो भौगोलिक संपदा है ना, वो दुनिया के किसी भी अन्य देश से बहुत अलग है, बहुत विलक्षण है। और वाकई में बताऊं तो मुझे कई बार ऐसा एहसास होता है कि ऐसा लगता है जैसे कृष्ण भगवान को हम क्या करते हैं, 56 भोग लगाते हैं ना उसके उनके जन्मदिन पर। अभी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी गई तो वहां पे 56 भोग लगाए। तो हमें जब भारत देश के बारी आई थी तो भगवान ने पूछा कि बेटा ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो हमें रेगिस्तान भी दे दिया, पर्वत भी दे दिए, पहाड़ भी दे दिए, पठारी भाग भी दे दिया, मैदानी भाग भी दे दिए, डेल्टाई क्षेत्र दे दिए, जलप्रपात दे दिए, रेडियो एक्टिव मेटल खनिज के रूप में दे दिए, और ऐसे ऐसी चीजें हमें दे दी हमारे भारत देश को। ऐसा लगता है सब कुछ दे दिया, थोड़ा 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 थोड़ा, बेटा ये भी चख ले, बेटा वो भी चख ले। तो यहाँ पर इतना कुछ दिया है हमें भारत देश में, इतनी भौगोलिक संपदाएं, इतनी विलक्षणताएं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि उसके बारे में जितना बात की जाए कम लगता है। तो किसी एक चैप्टर में उसको सारगर्भित करना भी लगभग लगभग असंभव ही मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में क्लास 6 के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है, तो बहुत संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा देश भारत चैप्टर 7। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो वर्ड आया वो प्रायद्वीप। देखो, आपके स्तर पे तो वैसे माना जाता है, देखो इसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते इवन कि प्रायद्वीप क्या होता है। क्यों? क्योंकि तो आपका स्तर ऐसा माना जाता है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसका अर्थ आपको पता होगा। तो प्रायद्वीप वह स्थल भाग होता है जो पानी से तीनों तरफ से जल से घिरा हो, तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और जब भारत भूमि की बात की जाए तो भारत भूमि की बात की जाए तो भारत के निचले वाले हिस्से अगर हम देखें तो इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है या अरब सागर की क्षेत्र है, इधर की बात करें तो आपका हिमालय क्षेत्र पड़ जाता है, ठीक है। और ये तीनों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है कि ये आपका भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें हमने जब बात की तो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। देखो यहाँ पे एक मेन बात है, वो क्या कि हमारे जब भारत भूमि है उसके अंदर द्वीप समूह भी हैं, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दमन द्वीप है, आपका लक्षद्वीप है, ये द्वीप समूह भी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसका विस्तार मुख्य भूमि का अलग है और अगर संपूर्ण भारत का विस्तार देखा जाए तो अलग है। तो सामान्य तौर पर हम जब बात करते हैं तो मुख्य भूमि की बात करते हैं। तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है, उत्तर में लद्दाख है आपके और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, और इसका विस्तार कितना है आपका 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर के लगभग है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपके पश्चिम में जो कच्छ है, जो आपके गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ तक का जो विस्तार है वो आपका 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको याद रखने की योग्य बात है कि एक तो आपका जो विस्तार है, आपका जो पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार है वो कितना है, आपका 3200 किलोमीटर है, और आपका जो उत्तर दक्षिण वाला विस्तार है वो कितना है, आपका 2900 किलोमीटर के लगभग है ना। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर के लगभग है ना। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग, द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नता है। इन भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी कितनी है, 120 करोड़ से भी अधिक हो गई है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो विभिन्नता है उसकी वजह से इतनी अनुकूलताएं हमें मिल चुकी हैं
कि हम इतने ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन होती जा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। तो भारत की स्थिति में देखो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जब पृथ्वी को वैश्विक स्तर पर देख रहे थे तो हमने बीच में क्या देखी थी, इक्वेटर यानी विषुवत लाइन, जो आपके उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में धरती को बांटती है। फिर हमने एक लाइन ऐसी भी खींची थी जो आपको पश्चिमी और पूर्वी भाग में बांटती है। और हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति कुछ इधर है। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी आपके भारत की जो स्थिति है वो आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो और दूसरी बात, आपके यहाँ से क्या निकलती है, आपके यहाँ से मकर रेखा निकलती है। अब मकर ओ सॉरी कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा आपके 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित है। और वहीं आपके दक्षिण की तरफ बात की जाए तो मकर रेखा स्थित है और वो भी सेम डिग्री पे स्थित है, यानी 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में स्थित है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब ये दक्षिण से उत्तर को मैं इतना हाईलाइटेड क्यों कर रहा हूं, तो चलिए एक बार नीचे मैप में देखते हैं, मैप की बात करते हैं। यहाँ पे जब हम अपना विस्तार बताते हैं भारतीय भूमि का, तो बोलते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं और उत्तर की ओर हम लद्दाख तक जाते हैं। ये जो एरिया है ये क्या है आपका, 3200 किलोमीटर है। और यहाँ से हम जब बढ़ते हैं तो दक्षिण से उत्तर क्यों बढ़ते हैं, कि आप एक देखो कि यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री और 4 मिनट है उत्तर, है ना। और आपका लद्दाख क्षेत्र में जाके क्या पड़ता है, आपका 37 डिग्री और 6 मिनट। फिर बात करें उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र की, तो आपका जो कच्छ का रण क्षेत्र और ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें, तो ये आपका 2900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसमें आपका जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका 63 डिग्री और 7 मिनट पूर्व में पड़ता है। और वहीं आपका अरुणाचल का जो अंतिम क्षेत्र है वो तो आपका 97 डिग्री और 25 मिनट के लगभग पड़ता है ना। तो इसमें क्या है, इसमें छोटा जो उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ पे है आपका, वो आपका दक्षिण हिस्से में है, वो आपका दक्षिण हिस्से में है यानी 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर जो है आपका आपका जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सामान्य तौर पर अगर देखते हैं मैप, तो हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की। लेकिन जब हम विस्तार की बात करें, तो चूंकि इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ है, तो हम विषुवत रेखा से किसी डिस्टेंस उत्तरी अक्षांश को देखते हैं, तो विषुवत रेखा पे जो रेखा है वो कौन से कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे। फिर उससे बढ़ते हैं हम 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ते हैं उत्तरी गोलार्ध, तो नीचे की तरफ जब दक्षिण गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 90 डिग्री तक ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है और उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री उत्तर पे आ जाता है। तो मध्य क्षेत्र में तो हमारा डिस्टेंस कैसे हुआ, विषुवत रेखा से गोलार्ध की तरफ। तो इस वजह से हम अपनी जो भारत भूमि का विस्तार बताएं या फिर किसी भी अन्य भूमि का जो विस्तार बताएं, तो हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि कौन से गोलार्ध में है। अगर आपके उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांशों की स्थिति हम दक्षिण से उत्तर की तरफ नापते हैं, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में है आपका कोई भी भूमि या कोई क्षेत्र, तो उसको हम उत्तर से दक्षिण की तरफ मापते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपका जो पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, तो आपका जो भारत देश है वो कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में। तो ऐसी स्थिति में हम पश्चिम से पूर्वी देशांतर की तरफ नापते हैं, और इसीलिए यहाँ पर जो आपका आता है पश्चिम है वो 63 डिग्री 7 मिनट पूर्व आता है ना। और आपका वहीं पे आपकी जो पूर्वी भारत का जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का, वो 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्व की तरफ आता है। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। फिर आपको एक बात और महसूस होगी, हमने जब पढ़ा था टाइमलाइन के बारे में हमने बात करी थी, तो टाइमलाइन के बारे में जब हमने बात करी तो एक चीज देखी थी कि हर डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है देशांतरों की तरफ जब बढ़ते हैं।
और हमारे जो इसमें डिस्टेंस है पूर्व पश्चिम में, ये लगभग 29 डिग्री का है। ये लगभग कितना है, 29 डिग्री का है। तो ऐसी कंडीशन में लगभग लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो अगर समय का मापन हम देशांतर के ऐसे मानकों के आधार पर करते तो हमारे भारत में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में। तो उसको मैनेज करना बड़ा बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, या फिर अन्य देश भी क्या करते हैं, एक मानक समय मान लेते हैं, एक मानक क्षेत्र मान लेते हैं, और उसी के आधार पे पूरे क्षेत्र में उसी के हिसाब से टाइमलाइन घोषित कर दी जाती है। तो हमारे जो देशांतर है 82 डिग्री और 30 मिनट का, 30 मिनट का जो है, ये क्या है, ये आपका भारतीय मानक यामोत्तर है। यानी इसके ऊपर जो टाइम होता है उसी को हम क्या मानते हैं, पूरे भारत देश का वक्त मानते हैं, उसी भारत देश का समय मानते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी सभी व्यवस्थाएं, अपना सभी प्रशासन देखते हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कहां पर, दक्षिण से पूर्व की बात कर रहे थे, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो आपको दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण का अर्थ समझ में आ गया होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ अपन भारत भूमि के विस्तार को नाप रहे हैं। तो दक्षिण आपका कहाँ है पे, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में स्थित है, जबकि लद्दाख क्षेत्र आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पे स्थित है ना। इसको याद रखिएगा और समझ के रखिएगा, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्षांशों के बीच है, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, ये आपको अब बताना है, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार, लगभग जो आपका 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार यहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है, लगभग 2 घंटे। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना समय का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, और हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मानक समय को क्या माना जाता है, भारत का मानक समय माना जाता है, और इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, अब वहां पे कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, पूर्वी अक्षांश लिख देंगे, पश्चिमी देशांतर लिख देंगे, ठीक है, या फिर डिग्री चेंज कर देंगे। तो इन चीजों को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ये ऐसी चीजें हैं जो भूलने योग्य नहीं है, जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, है ना। फिर एक छोटे सा वो और देख लेते हैं। तो आपका देखो, जब अक्षांशीय विस्तार होता है तो हमारा भारत देश का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री है, काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी और भी ऐसे देश हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार हमारे देश से भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 7 मानक यामोत्तर माने जाते हैं, और कनाडा के अंदर यही क्या है, 6 मानक समय है। वहां पर 6 मानक समय है, वहां पर 1 मानक समय से काम नहीं चल पाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर समय का बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की स्थिति में 6 मानक समय घोषित किए गए। और आपको पता है रूस में सर्वाधिक मानक समय है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक मानक समय किस देश में है, तो रूस में आपके सर्वाधिक मानक समय होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं की बात करें तो 7 देश में देखो स्थलीय सीमा किस किस से जुड़ी है, आपके पाकिस्तान से, फिर आपका अफगानिस्तान का लगभग 80 किलोमीटर का क्षेत्र है, अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है लेकिन फिर भी हमारे देश की भूमि है, और ये 80 किलोमीटर का जो एरिया है डायरेक्ट अफगानिस्तान से जुड़ता है। फिर चाइना से, फिर आपका नेपाल से जो आपका 3 तरफ से घेरा हुआ है हमारे द्वारा, भूटान जो भी 3 तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये वो देश हैं
कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये जो 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये वो 7 देश हैं जो धरातल स्थल से हमारे देश से जुड़े हुए हैं। बात करें आपके जलीय सीमाओं की, तो सबसे जो सर्वाधिक पास में पड़ता है, एक तो मालदीव पड़ता है, ये आपका मालदीव है जो लक्षद्वीप के पास पड़ रहा है, और दूसरा आपका श्रीलंका, श्रीलंका एक देश है जो आपके ये जल संधि से जुड़ा है, और जल संधि को विशेष तौर पे इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस पे, उसका कारण क्या है, इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, और इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर हम सोचते नहीं है कि भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य क्या करेगा, तो इसलिए अक्सर ये पूछ लिया जाता है। तो मालदीव और श्रीलंका ऐसे देश हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे हमारे पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से डायरेक्टली जुड़े हैं वो आपके साथ हैं, इनका विशेष आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करें कि यहाँ पे देखो, आप देख रहे हैं ये लद्दाख एक राज्य है, इसकी जो कैपिटल है लेह है, इस तरह जम्मू और कश्मीर, इस तरह हमारे पास टोटल हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, और ये आप अच्छे से याद करते होंगे और आपने याद किया भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, तो वो आप देखिएगा एक बार मैप में। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, बिल्कुल हैं, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। राजनीति के प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अब देखो, ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पर्वतीय क्षेत्र भी हैं यहाँ पे, है ना, ये आपकी हिमालयन रेंज है पूरी, ये आपकी हिमालयन रेंज आपकी हो गई। यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो सीमाद्री, सह्याद्री और शिवालिक जो है ये यहाँ पे स्थित है। आपका अरावली पर्वत श्रेणी जो आपकी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ स्थित है। आपका जो गंगा यमुना का मैदान है वो यहाँ इस पूरे क्षेत्र में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ स्थित है। यहाँ आपका डेल्टाई क्षेत्र स्थित है। यहाँ आपका रेगिस्तानी भाग स्थित है। यहाँ आपके कच्छ करण स्थित है। यहाँ आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग स्थित है। यहाँ आपका पश्चिमी घाट है ना, यहाँ आपका पूर्वी घाट है। यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे विशिष्ट पहाड़ों की श्रेणियां स्थित हैं, तो इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं, ये एक विलक्षण देश है। आगे देखें तो यहाँ की राजधानी की बात करें तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, ये तो हम सभी को पता ही है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है ना। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ यानी जल के द्वारा, निक्षेप यानी एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना। तो जलोढ़ निक्षेप जल किस चीज को लेके आता है, सामान्य तौर पर चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी बनाकर लेके आता है बच्चों, और वो ही मिट्टी क्या होती है, मैदानी भाग का निर्माण करती है। तो जलीय निक्षेप क्या है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया, नदी बेसिन, नदी बेसिन क्या है, जहां जहां तक जल का बहाव देखने को मिलता है, चाहे वो भविष्य में हो या भूतकाल में हो, है ना, भविष्य का मतलब कि यहाँ पर संभावित नदी आएगी या फिर यहाँ से बहती थी, वो सारा क्षेत्र क्या है, उसका नदी बेसिन है, या उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो भी उसी नदी बेसिन के क्षेत्र में माना जाता है ना। तो वहां पर जो मिट्टी लेके आई जाती है वो जलोढ़ निक्षेप है, जल के द्वारा यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेके आई जाती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है यानी ट्रांसफर कर दी जाती है, वो क्या कहलाता है, जलोढ़ निक्षेप कहलाता है। फिर सहायक नदी क्या है, देखो तो सहायक नदी का एक बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको,
एक नदी यहां से निकल रही है और दूसरी नदी ऊपर से गिर रही है, इसमें ऊपर से गिर रही है, ठीक है। अब ये मैटर नहीं करता कि छोटी है या बड़ी, मैटर करता है कि ऊंचाई से कौन सी गिर रही है। तो नीचे वाली आपकी मुख्य होगी और ऊपर वाली आपकी सहायक होगी, ऊपर वाली आपकी सहायक होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सहायक नदी क्या है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वो क्या कहलाती है? उसकी सहायक नदी कहलाती है। चलिए भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। अब संतरी का कार्य कैसे करता है ये आपको समझना चाहिए। संतरी मतलब पहरेदार। कैसे? देखो, अगर आपका हिमालय क्षेत्र नहीं होता, अगर आपका हिमालय नहीं होता ना, तो आपका जो भारत देश की जो सारी विभिन्नता है वो धरी की धरी रह जाती, क्योंकि पूरा की पूरा देश बर्फ से ढका रहता। जैसे जो आपके चाइना या रूस का जो क्षेत्र आते हैं वो पूरे बर्फीले क्षेत्रों में है। वहां पे पूरा ये हिमालय उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ठंडी पवनों से हमें बचाता है, और इसी वजह से ये क्षेत्र जो है वो ठंड से इतना बच जाता है। अगर ये हिमालय क्षेत्र नहीं होता तो हमारा देश बर्फ का मैदान होता और इसमें इतनी विविधताएं तो संभव ही नहीं थी। तो ये हिमालय जो है ना, वास्तविकता में बहुत बड़ा संतरी है, ये बहुत बड़ा पहरेदार है जो हमारे देश को विभिन्नता देता है, विलक्षणता देता है। तो तभी तो कहता हूं कि ईश्वर ने हमें एक एक चीज इतना छांट छांट के और इतने अलग अलग तरीके से दी है कि अगर इसमें से एक भी चीज ना हो ना तो हमारे देश की विविधता संभव ही नहीं। तो हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम आले यानी घर, और हिम यानी आप जानते हैं बर्फ। तो बर्फ का घर जो है वो आपका क्या है? हिमालय है, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, और सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है वृहद हिमालय, जो सबसे बड़ा जो चोटियां आती है जिसमें आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है, वो क्या कहलाता है? हिमाद्री भी कहते हैं इसको। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। मध्य हिमालय जिसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है? ये आपकी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये हिमाद्री के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है, और बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। शिवालिक ये आपका तीसरा पार्ट है। देखो हिमालय जो रेंज है उसको तीन भागों में बांटा गया। जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं उसको हिमाद्री कहा जाता है या वृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर जो बीच की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको हम हिमाचल या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं हिमाचल से हिमालय श्रेणी की उनको हम शिवालिक के तौर पर देखते हैं। हमारी भारत देश की तरफ कौन सी है? शिवालिक श्रेणियां हैं। फिर उसके उत्तर की साइड चलें तो मध्य हिमालय है, और उसके उत्तर की तरफ चलें तो आपका वृहद हिमालय है, ठीक है। चल आगे देखते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तर का मैदान है, उत्तरी मैदान। और ये उत्तरी मैदान किससे बनता है? भाई इसी हिमाचल प्रदेश से जो नदियां आती है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सारी जो नदियां हैं ना यहाँ पे मैदान बनाती हैं, अपनी निक्षेप लेके आती हैं, जलोढ़ निक्षेप जिसे आप कह रहे थे अभी। तो निक्षेप से मैदान बनते हैं, मैदान से क्या बन गया? आपका उत्तरी मैदान बन गया, भारत का उत्तरी मैदान बन गया। और तो यहाँ पर विश्व की बहुत डेंस पॉपुलेशन अवेलेबल है ना, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है ह्यूमंस की। तो ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। इसको बॉक्स को देख लेते हैं एक बार। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरवन सुंदर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये इतना खूबसूरत लगता है, तो इसका नाम उसी के आधार पर सुंदरवन डेल्टा रख दिया गया। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ये भी पूछा गया है कई बार, तो इस चीज को याद रखिएगा। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी के मुहाने पर बनता है,
जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी का मुहाना। अगर आपका समुद्र में या कहीं पे भी कोई नदी गिर रही है, अंतिम समय में समुद्र में गिर रही है या कहीं और गिर रही है, तो उसको उस नदी का मुहाना कहा जाता है। ठीक है। और आपकी जो सुंदरबन डेल्टा है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। और सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो भारत के पश्चिम भाग में आपका भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पूर्व में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। देखो, जो हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इन जो पठारी भाग है, जो पठारी भाग होता है, वहां पे जो भारत के जो पठारी भाग की बात करें, तो भारत का जो पठारी भाग की बात करें, तो वो देखो, पहली बात तो आपका भारत देश कुछ ऐसा है, तो ये जो पठारी भाग का जो ढलान है वो इस तरीके से है, पूर्व और उत्तर की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में जो नदियां बहती भी हैं, तो ये क्षेत्र तो क्या है, पठारी भाग का कभी कटा नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ऊंचा और पहाड़ी क्षेत्र की तरह है। लेकिन जो पूर्वी घाट है आपका, नदियों की वजह से कट गया है, तो बहुत सारा हिस्सा कटा, ऊंचा नीचा हिस्सा है, या फिर ये कहें कि बहुत कम हिस्सा इसमें ऊंचा बचा है, बाकी मैगजीम ये नदियों के द्वारा कट गया है। तो इस वजह से जो आपका पश्चिमी घाट है वो तो लगभग लगभग बहुत ऊंचाई पे या खड़ी ढलानों वाला क्षेत्र है, जबकि पूर्वी घाट आपका बहुत कटा फटा है। ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिम घाट सह्याद्री तथा पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच में से टूटा हुआ है, और इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला, लोह अयस्क की प्रचुरता है। आपके पठारी क्षेत्र में सामान्यतः इस प्रकार की चीजों की अधिकता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे और पूर्वी तटीय मैदान काफी वृहद है। ठीक है, यानी बड़े हैं। इसके आगे देखते हैं तो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। देखो, मैंने कहा कि आपका जो पठारी भाग है उसका जो ढलान है वो किस तरीके से, इस तरीके से, तो बहुत कम नदियां हैं जो पठारी भाग की आपकी कहाँ पे, इस तरफ यानी अरब सागर की तरफ गिरती हैं। वो मैक्सिमम किस साइड जाती हैं? बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमने इस चीज के बारे में देखा, सुनामी के ऊपर एक कविता लिखी एक बच्चे ने। तो भारत में दो द्वीप समूह और कौन कौन से हैं? आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, किस साइड में है? अरब सागर की तरफ है ये, और केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप मतलब, देखो, समुद्र में एक प्रकार की लकड़ी है, एक प्रकार की लकड़ी है जिसको हम बोलते हैं प्रवाल। क्या है? प्रवाल। और ये प्रवाल धीरे धीरे जम के क्या, चट्टानी रूप धारण कर लेती है, और इस चट्टानी रूप धारण करने से क्या, द्वीपों का निर्माण होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग एक तिहाई हिस्सा प्रवाल से बना हुआ है, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रवाल भित्तियां बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से उसका क्षेत्रफल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो आपका प्रवाल द्वीप है। ठीक है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
भारत के द्वीप समूह की बात करें तो भारत के द्वीप समूह में आपका कौन सा आता है? आपका एक तो लक्षद्वीप समूह आता है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो देखो, लक्षद्वीप जो है वो आपका प्रवाल वाला द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। प्रवाल है क्या? ये आपकी समुद्र में पाई जाने वाली एक लकड़ी है जो धीरे धीरे करके चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। इतनी सॉलिडिफाई हो जाती है, इतना सॉलिड हो जाती है कि चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है और उससे वो चट्टानों का निर्माण, एक समूह का निर्माण कर लेती है, एक धरातल का निर्माण कर देती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो लगभग एक तिहाई भाग है वो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है और दिन ब दिन वो क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है उसका, है ना। तो इसी तरीके से जो आपका लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, वो भी आपका ऐसा ही है जो प्रवाल भित्ति से बना हुआ है, ठीक है, यानी समुद्र की प्रकार की लकड़ी से बना हुआ है जो चट्टानी रूप में परिवर्तित हो गई है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में। आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। आपका अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो हाँ, बिल्कुल जानते हैं, वो कौन सा है? आपका अंडमान निकोबार। समाचार पत्रों तथा तो लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो इसी के साथ बच्चों होता है आपका ये चैप्टर समाप्त। अब कर लेते हैं अभ्यास प्रश्नों की बात। तो भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो भौतिक भागों में देखो, आपका इसमें पठारी भाग हो गए, पहाड़ी भाग हो गए, प्रायद्वीपीय भाग हो गए, मैदानी भाग हो गए, ऐसे विभिन्न प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत के स्थलीय सीमा से सात देश कौन से हैं? तो आपका एक हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया अफगानिस्तान, फिर आपका हो गया चीन, फिर आपका हो गया नेपाल, फिर आपका हो गया भूटान, फिर आपका हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका म्यांमार। ये आपके वो सात देश हैं जो आपके क्या हैं, आपके स्थलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश हैं। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी गिरती हैं? एक तो आपकी नर्मदा गिरती है, ठीक है, एक तो आपकी नर्मदा गिरती है, दूसरी आपकी ताप्ती गिरती है ना। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताइए। तो वो आपका सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर सुंदर नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इस वजह से उसको सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और ये विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र प्रशासित देश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश प्रदेश हैं। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? आपका हरियाणा और पंजाब की राजधानी एक ही है ना। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है क्यों? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है और कृषि योग्य भूमि है, जल की अवेलेबिलिटी है, तो ऐसी स्थिति में ये अनुकूलतम वातावरण उत्पन्न करती है मनुष्यों के लिए, इस वजह से यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसी से बना हुआ है। और प्रवाल एक प्रकार की लकड़ी है जो कि चट्टानी रूप धारण कर लेती है और जिससे लक्षद्वीप का पूरा निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप कहा जाता है। आगे देखें तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो आपके भारत वाला हिस्सा है जिसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमाद्री तो सबसे बड़ा है, हिमाचल आपका मध्य भाग है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दक्षिण सबसे भाग कौन सा है? आपका शिवालिक है, जहाँ पे हिमालय रेंज की सबसे छोटी पहाड़ियां स्थित है। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को आपके पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है ना। पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो श्रीलंका और मालदीव के बीच में नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, भारत और मालदीव के बीच में नहीं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो स्थित है। मालदीव तो क्या है? आपका एक कंट्री है। दूसरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है।
ओ सॉरी, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, पश्चिमी घाट तो बिल्कुल अलग चीज है, और हिमालय आपका बिल्कुल नवीन वलित पर्वत है ना। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका भारत का जो क्षेत्रफल है, वो आपका 32.8 वर्ग किलोमीटर का है ना। महान हिमालय को नाम से जाना जाता है, महान हिमालय को हिमाचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है बच्चों। भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, जो लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत के रेखा मंच पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। देखो ये तो आपके भारत के मध्य में से गुजर रही है। भारत का मानक याम्योत्तर है वो आपका 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है ना। आपका कर्क रेखा कहाँ है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और आपका जिस राज्य में आप निवास करते हैं? हम राजस्थान राज्य में निवास करते हैं। अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, देखो लक्षद्वीप आपके अरब सागर की तरफ आपको बनाने हैं, और ये आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ बनाना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, भारत का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे, ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, इस साइड आपका पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। तो इसको आप मानचित्र पे भी अंकित कर दीजिए। इस तरीके से होता है आपका ये चैप्टर समाप्त। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।